नमस्कार, प्रणाम। हम कुशवाहा के राज और आप सभी देख रहे हैं कुशवाहा समाज यूट्यूब चैनल। आप सभी को बता दें कि वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। जो जो आज कीचड़ उछाल रहा है भैया नीलकमल सिंह पे, भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। चाहे बड़े स्टार हो चाहे छोटे स्टार हो, सभी के लिए कह रहे हैं। सभी आदमी एक दूसरे का हिनाई बंद कमरे के अंदर करते हैं, ठीक है। हम मानते हैं कि नीलकमल भैया ने गलती किया है, उसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए लाइव आकर। लेकिन कुछ कुत्ते हैं जो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं यूट्यूब पर आके, गलत गलत थंबनेल लगा रहे हैं, गलत गलत वीडियो डाल रहे हैं। तो और दूसरी बात कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में माँ बहन रहता तो समझ में आता। भाई, हमारे घर में भी माँ बहन है और सभी के घर में माँ बहन है, ठीक है। ये ज्ञान देने कमेंट में ज्ञान आके मत दिया करो कि तुम्हारे घर में माँ बहन रहता तो अब तुमको मालूम चलता। यहाँ उसकी बात है ही नहीं। आजकल हर एक जगह, लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर चार लड़का एक जगह इकट्ठा रहेगा ना तो कोई लड़की जाते रहेगा तो उसके बारे में गलत टिप्पणी करता है कि हमसे लिखित में ले लीजिए। और चार लड़की भी रहती है तो दूसरे लड़के के बारे में जो उसका होता है कोई, उसके बारे में भी गलत बात करता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम रिकॉर्डिंग करके उसको यूट्यूब पर चढ़ा दें। और यूट्यूब पर चढ़ाने का मात्र एक ही रीज़न है कि आज नीलकमल सिंह जो भी इतना स्टार बन गया है, उनके लेवल का कोई है नहीं जो उनका हिनाई करके आज उनको गिराना चाहता है। सिल्फी राज के साथ भी यही हो रहा है, बार बार हम कहना चाहते हैं। खेसारी लाल यादव के साथ भी यही हुआ है। और जिन लोगों ने अपने चैनल के व्यूवर्स पाने के लिए ना नीलकमल सिंह को इतना गिराने के सोच रहे हो, ये कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से, उन कान खोल के सुन लो। तुम लोग जिंदगी भर जातिवाद करने वाले जो सिंगर होते हैं उनको ही सपोर्ट करना, ठीक है। और नीलकमल सिंह आज तक जातिवाद का एक भी गाना उनका नहीं है, एक भी नहीं है। और अपने दम पर आज इतना कुछ है, जो भी है अपने दम पर है नीलकमल सिंह। किसी के चाट के और किसी के जात को नीचे दिखा के, किसी जात को ऊँचे दिखा के गंदा गाना गा के नहीं है। नीलकमल सिंह लाइव आकर खुद बोले हुए हैं कि हमको भोजपुरी के में गंदा गाने का मन नहीं करता, हमको बहुत पैसे मिलते हैं कि गंदा वीडियो बनाने के लिए, गाने के लिए, फिर भी हम ये काम नहीं करते हैं। उस आदमी पर आप लोग लक्षण उछाल रहे हो कि नीलकमल सिंह ने ऐसा घटिया काम किया है, पहला गलती किया है आज तक। इतना बड़ा स्टार भी गलती किया है तो माफ़ी मांगना चाहिए। हम मानते हैं कि गलत शब्द का उपयोग किया है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई दूध का धुला नहीं है। ज़्यादा कमेंट में गाली उली नहीं लिखो, हम सबका पोल खोल देंगे इस चैनल पर कि अक्षरा सिंह से लेकर पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, जितेश पांडे, जितने भी हैं सभी लोग गलती किए हैं, सभी का विवाद होता है। और ये रिकॉर्डिंग वायरल हुआ है। ये रिकॉर्डिंग वायरल होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलो उनको, पहला रिकॉर्डिंग है। आप खुद सोचिए यार, जितने भी हमारे चैनल सब्सक्राइबर है, जितने भी लोग हमारे वीडियो देखते हैं, आप लोग खुद सोचिए कि जिस आदमी ने भोजपुरी इंडस्ट्री में एक भी जातिवाद सॉन्ग नहीं गाया, दूसरी बात कि एक भी गंदा सॉन्ग नहीं गाया हो, और अपने दम पर, अपने मेहनत के दम पर, अपने सुर के दम पर आज इतना बड़ा लेवल का स्टार बने हुए हैं, और आप लोग उन पर लक्षण उतार रहे हो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा है ऐसे सिंगर, और किसी के बारे में आपको नहीं आया। अक्षरा सिंह नाम कर रही है भोजपुरी इंडस्ट्री को। इतना घटिया घटिया सॉन्ग है अक्षरा सिंह का, वीडियो है, वो नाम कर रही है। आज तक नीलकमल सिंह का गंदा सॉन्ग से लेकर जातिवाद सॉन्ग तक नहीं है। आप उस पर लक्षण उछाल रहे हो कि आप भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हो। हम ये मानते हैं कि नीलकमल सिंह ने गलती किया है, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आप सभी का जो इच्छा है वो यूट्यूब पर वीडियो बना के डाल रहे हो, बोल रहे हो। हम सभी को कहना चाहते हैं, जितने भी आदमी हमारे भाई वीडियो देखते हैं, हमको, हम सभी को कहना चाहते हैं कि जितने भी भाई हो ध्यान से सुनिए, आप लोग एक एक वीडियो नीलकमल सिंह के सपोर्ट में ज़रूर बनाइए। सभी को कह रहे हैं कि नीलकमल सिंह के सपोर्ट में एक एक वीडियो आप लोग ज़रूर बनाइए और जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। एक गलती के वजह से आप किसी को नीचे या ऊपर नहीं दिखा सकते। हम फैन हैं नीलकमल सिंह के, हम फैन हैं, हम उनको जानते हैं, ठीक है, उनको अच्छे तरह से जानते हैं। और जो जो उनके फैन हैं उनको मालूम है अच्छे तरह से कि नीलकमल सिंह कैसा इंसान है। और एक गलती के वजह से, देखो, किसी के फैन बनते हो ना तो उसको एक गलती के वजह से उसका पीछा छोड़ के नहीं जाते। अगला मुश्किल में है तो उसका साथ देते हैं, उसको साथ छोड़ कर नहीं जाते कहीं, उसको साथ दे। जब हम उसका सही वक्त में साथ है, जब सही वक्त में उसका हम फैन बन के घूम रहे हैं, तो आज बुरा वक्त है तो साथ छोड़ के चले जाए। जब तक इसका सच्चाई नहीं आता सामने, तब तक हम नीलकमल सिंह को निर्दोष मानते हैं और मानते रहेंगे। जब तक इस ऑडियो का सबसे बड़ा गलती, गाली देने का मन कर रहा है पर गाली नहीं दे रहा है, सबसे बड़ा गलती तो उसका है जिसने ये वीडियो बनाया।
जिसने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल करवाया है उसका है, वो उसका पता लग जाए है, उसके बाद आप सब जो चाहिए। अगर नीलकमल भैया जो अभी सोशल मीडिया पे कोई भी टिप्पणी नहीं किए हैं, बहुत से लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उस सभी को आप लोग जाके जवाब दीजिए। सोशल मीडिया से लेकर हर एक जगह पर नीलकमल सिंह के सपोर्ट में पोस्ट डालिए और नीलकमल सिंह को सपोर्ट कीजिए। कल फैन थे, आज उन पे विपत्त, अगर आज उन पे सभी लोग उछाल रहे हैं तो आप उनको साथ छोड़ के जा रहे हैं। नीलकमल सिंह को सपोर्ट करने, किसी का फैन बनिए तो शुरू से लास्ट तक रहिए। अगर वो गलत, अब फैन बने क्यों जब वो जानते थे कि वो ऐसा गलत इंसान है तो फैन बने क्यों, और जब जान रहे कि सही इंसान है, हम फैन हैं उनके, तो उसका आज नहीं सब दिन साथ दीजिए, ये बात ध्यान रखिए। और सभी लोग एक वीडियो जरूर बनाइए, हम मानते हैं कि गलती किया है लेकिन हद होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई इंसान भी बता दीजिए ऐसा जो अभी तक कोई गलत काम नहीं किया हो, गलत इससे भी जातिवाद से बड़ा कुछ नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। सभी लोग कहते हैं जिसका ऐसा सॉन्ग नहीं आया हो अब तक, आप उस पर लक्षण उछाल रहे हैं कि नीलकमल सिंह ने ऐसा किया वैसा किया, वो लाइव आकर बोल दिया कि हम भोजपुरी में गंदा गाना गाने के लिए पैसा मिलता है लेकिन हम नहीं गाते, जातिवाद सॉन्ग नहीं गाता, आज तक किसी को बताते नहीं है कि हम ये वो है, जाति का बात नहीं है, सपोर्ट का बात है। तो हमको जहाँ तक सही लग रहा है सपोर्ट हम करते हैं नीलकमल सिंह को और करते रहेंगे। आप लोग अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं, और जो गलत वीडियो बना रहा है उसको रिपोर्ट डिसलाइक करके जितना हो सके उतना हटाइए और नीलकमल सिंह के सपोर्ट में वीडियो जरूर बनाइए। एक गलती के वजह से किसी को इतना घटिया और इतना बेकार बेकार थमले लगा के यूट्यूब पर वीडियो डाला, और गाना गाने वाले जो गलत गाना गा रहे हो नीलकमल के ऊपर ही ध्यान रखना, ध्यान रखना, तुम सबका भी टाइम आने वाला है। जो आदमी नीलकमल सिंह का चाटता था ना, आज उसको भी एक मौका मिल गया है नीलकमल सिंह के बारे में दो शब्द बोलने का। और सभी लोग को कहना है वीडियो शेयर कर दीजिएगा जितने आदमी है, ताकि सभी लोग के पास पहुंचे और वीडियो बनाए। जो गलत वीडियो बना रहा है उसको आप लोग अपने समझाइए और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि आप लोग क्या चाहते हैं, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।